हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउंड इंसुलेशन के बारे में। और आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसका यूज करके आप अपने घरों में साउंड इंसुलेशन को कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपके घर में जो अनवांटेड साउंड होती है वो किन किन माध्यम से आ सकती है और उसको हम जो है किस किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके घरों में अनवांटेड जो साउंड है वो बेसिकली दो तरीकों से आ सकती है। एक तो डायरेक्ट साउंड ट्रांसमिशन और सेकेंड इनडायरेक्ट साउंड ट्रांसमिशन। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, डायरेक्ट साउंड तो वो कि नॉर्मली जो आपकी वॉल्स या फिर कोई डोर्स ओपन है वहां से डायरेक्ट जो कोई साउंड जो है वो आपके घर के अंदर आ रही है। फिर एक साउंड जो कि इनडायरेक्ट होती है वो ये कि अगर आप किसी भी वॉल में कोई भी क्रैक है, कोई भी होल है, या फिर आपने मान लिया विंडो प्रॉपर प्लेस कर दी और उसके साइड में कहीं से लीक्स हो रखे, तो उन गैप से जो है जो भी साउंड जो आपके घर के अंदर आती है तो उसको हम बोलते हैं कि इनडायरेक्ट साउंड जो है वो आपके घर में ट्रांसमिट हो रही है। अब दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो अनवांटेड साउंड है वो आपके घरों में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि आप इसको किस किस तरीके से जो है रिड्यूस कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है वो है एब्जॉर्ब साउंड। तो बेसिकली जो भी साउंड आपके घर में आ रही है कुछ ऐसे मटेरियल्स का आप यूज करें कि जो साउंड है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब देखिए, बेसिकली जो आपके घर में कोई भी मटीरियल जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है या फिर बहुत ज्यादा डेंस मटीरियल है, तो साउंड जब उससे टकराती है तो वो जो है बिल्कुल टकरा करके रिवर्ट मारती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी साउंड की इंटेंसिटी होती है वो मतलब पर्टिकुलर 10 इंटेंसिटी की साउंड आई, ठीक है, और आपका कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा डेंस है, उससे टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑलमोस्ट उसी इंटेंसिटी के साथ। लेकिन दोस्तों, अगर कोई ऐसा मटेरियल जो कि सॉफ्ट है और उसकी डेंसिटी कम है तो साउंड जब उससे टकराएगी ना तो वो काफी हद तक जो है वो एब्जॉर्ब जो है वो मटेरियल उसको कर लेगा और रिफ्लेक्शन जो साउंड का वो काफी कम हो जाएगा। फिर दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसे मटेरियल है कौन कौन से। तो इसमें सबसे पहला मटेरियल है वूल, सेकंड मटेरियल आपका शैग, फिर आ गया आपका फॉक्स फर, देन फिर नेक्स्ट आ गया आपका शिनाइल। तो आप नोटिस करेंगे सारे मटेरियल जो है वो सॉफ्ट है, तो ये जितने भी मटेरियल्स हैं ये आपकी साउंड को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। फिर दोस्तों, हमने एक चीज और नोटिस करी हुई कि आपके रूम में अगर वुडन फ्लोरिंग होती है तो वहां पे भी जो साउंड है बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आपके बेड के जस्ट साथ में अगर आप कारपेट को रख लेते हैं तो ये जो है आपकी जो साउंड है उसको काफी अच्छे तरीके से रिड्यूस करता है। फिर दोस्तों, इसके अलावा एकॉस्टिक पैनल्स आते हैं जिसका कि आप यूज अपने वॉल्स के ऊपर कर सकते हैं। अगेन, इन पैनल्स का यूज करके आप जो सीलिंग में भी जो आप डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं, और सीलिंग में जब आप डिजाइन क्रिएट करेंगे तो आप डबल तरीके से उसमें प्ले कर रहे हैं। आप सेम टाइम पे उसको एज ए इंटीरियर भी यूज कर रहे हैं और सेम टाइम पे वो आपका साउंड एब्जॉर्ब करने का भी काम कर रहे हैं। फिर दोस्तों, इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे एकॉस्टिक पैनल्स भी आते हैं जिसको कि आप वॉल पे अगर लगाते हैं तो वो आपका सेम टाइम पे वॉल पैनलिंग का भी काम करते हैं और सेम टाइम पे साउंड को एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं। और बेसिकली इन एकॉस्टिक पैनल्स में छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं, तो वो पोर्स के थ्रू जितनी भी वाइब्रेशन होती है साउंड की, क्योंकि साउंड है क्या, एक्चुअल में है तो एक तरीके का वाइब्रेशन ही, तो वाइब्रेशन को वो एब्जॉर्ब कर देते हैं और रिफ्लेक्शन होता नहीं है, तो जिससे कि जो साउंड है वो काफी बढ़िया आती है और वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। फिर अगर आप इन पैनल्स को यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पैनल जो है डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस में आता है, तो आपको किस लेवल का जो साउंड है उसको एब्जॉर्ब करवाना है तो उसी लेवल से आप जो है उस थिकनेस को आप चूज कर सकते हैं। फिर दोस्तों, इसी के साथ ही हमें ये तो पता चल गया कि हम फैब्रिक का यूज करके भी जो है साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम फैब्रिक को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब अगर आप कर्टेन का यूज करते हैं तो डेफिनेटली कर्टेन भी जो है वो सेम आपका जो है साउंड को, नॉइस को रिड्यूस करने का काम करते हैं। अगेन, अगर आप मतलब बेड के बैक साइड पे आपने कोई भी ऐसी पेंटिंग लगा ली और ऐसा कोई कैनवस लगा लिया जो कि फैब्रिक में बन रखा है, फैब्रिक का कोई भी पेंटिंग आपने यूज कर ली, आपने फैब्रिक की जो है कोई भी वॉल आर्ट यूज कर ली, तो वो आपका सेम वही काम करेगा और इंटीरियर की जो नीड है उसको भी फुलफिल कर रहा है, तो है ना कितनी कमाल की बात। फिर दोस्तों, इसमें एक सेकंड मेथड आता है जिसकी हेल्प से जो है आप साउंड को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसका नाम है प्लग साउंड लीक। अब इसमें बेसिकली होता है कि आपको ना आइडेंटिफाई करना है ऐसे पॉइंट जहां से कि आपकी जो आउटर की जो साउंड है वो लीक होकर के आपके घर के अंदर आ रही है। इसमें आपके सीलिंग फिक्चर्स हो गए, स्विच बॉक्सेस हो गए एंड रिसेप्टल बॉक्सेस हो गए, डोर केजिंग हो गए, तो यहां पर जितने भी गैप्स आपको दिखते हैं तो आप जो है उसको फिल कर देते हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप जो है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं कि वो गैप जो है वो ब्लॉक हो जाए और जो साउंड है वो लीक होकर के आपके घर के अंदर ना आए, और इसलिए इस मेथड का नाम है प्लग साउंड लीक। फिर इसी में एक थर्ड मेथड जिसका कि आप यूज कर सकते हैं वो है रिड्यूस वाइब्रेशन, और ये कहीं ना कहीं एक एडवांस बिल्डिंग स्किल है। इसमें बेसिकली एग्जिस्टिंग वॉल के ऊपर जो एक ड्राई वॉल हम जो क्रिएट करते हैं जो कि आप
आपका जो वाइब्रेशन है उसको ये रिड्यूस करती है साउंड। इसमें होता कुछ नहीं है, बस ये जो एग्जिस्टिंग वॉल होती है उससे लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास एक एक्स्ट्रा एक लेयर प्रोवाइड करी जाती है, और ये जो एक्स्ट्रा लेयर जो प्रोवाइड करी जाती है उसके अंदर जो हाई एकॉस्टिक उसकी जो क्वालिटी है वो उसमें होती है। और दोस्तों बेसिकली जितने भी साउंड प्रूफिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी जो रेटिंग है ना वो हम STC में जो है मेजर करते हैं, और इसका पूरा नाम है साउंड ट्रांसमिशन क्लास। और बेसिकली STC को मेजर करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट ने साउंड की कितनी डेसिबल को जो है वो रिड्यूस कर रहा है। फिर दोस्तों एक और पॉइंट जो कि आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप मान लिया साउंड को एंड नॉइस को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डोर है ना वो होलो डोर नहीं होने चाहिए। तो अगर सॉलिड डोर होंगे तो सॉलिड डोर जो है वो काफी अच्छा साउंड को जो है वो रिड्यूस करते हैं इन कंपेयर टू होलो डोर्स के। फिर दोस्तों इसके अलावा एक टर्म होती है व्हाइट नॉइज। तो व्हाइट नॉइज बेसिकली आती कैसे, आपके मतलब फैन चलते हैं, आपके रेफ्रिजरेटर हो गए, आपके ACs हो गए, तो इन सब में से जितनी भी साउंड आपको सुनाई देती है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये व्हाइट नॉइज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो साउंड इंसुलेशन से रिलेटेड जो मैंने आपको टिप्स बताई आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियो जो कि मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाता तो मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूं, तो वहां पर जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।